टुडे स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 9। मेरे पास जितने रुपए हैं उससे 348 रुपए अधिक रवीना के पास हैं। तो मेरे पास 560 रुपए हैं, तो रवीना के पास इसका मतलब 348 ज़्यादा है। तो रवीना के हमें बताने हैं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ज़्यादा के लिए जोड़ते हैं ना। आंसर आ गया 908 रुपए। दूसरे में देखिए, एक दुकानदार ने 525 रुपए में एक पंखा खरीदा और 575 रुपए में बेच दिया। तो जो बड़ी रकम है उसमें से हम छोटी घटाएंगे। कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा तो लाभ हो गया, उसे घटा करके हमें पता चल गया 50 रुपए का लाभ फायदा। मोहन ने एक गाड़ी 7000 रुपए में खरीदी और 800 रुपए ऊपर से खर्च कर दिए। खरीदी कितनी, 7000 में, और ऊपर से खर्च किए 800 रुपये, यानी कि उसको 7800 रुपये में पड़ गई वो गाड़ी जमा करके, है ना। अब उसने बेची कितनी है, 9000 रुपये में, और खर्चा कितना किए, 7800 रुपये। तो फ़ायदा हो गया 1200 रुपये का, है ना। घटा करके हमें फ़ायदा पता चल गया। एक काम में 3786 पुरुष, 3672 महिला और 1506 बच्चे हैं। बताएं उस काम की कुल जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष आपने लिख लिए 3786, 3672 महिला और 1506 बच्चे। अब इन सबको टोटल कर देंगे, आप अपने आप इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 9450 है, एक संख्या 6983 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। संख्याओं को पढ़ना अच्छे से सीखिए। तो बेटा, योग में से हम एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी पता चल जाएगी। लिख दिया आपने सारा कुछ और इसको घटा देंगे आप। 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ से ये रह गया 4, फिर से इसे लेना पड़ेगा, 14 में से 8 गया 6। फिर देखिए यहाँ पे, फिर बड़ी रकम है नीचे, फिर इसने उधार मांगा, 13 में से 9 गए 4 और 8 में से 6 गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 7523 छात्र पास हुए और 1489 छात्र फेल हुए। तो बताइए कितने छात्र परीक्षा में बैठे, जो पास हुए हैं और फेल हुए हैं। टोटल इन दोनों को हमें ऐड करके मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अब की बार प्लस करेंगे, 9 और 3 12, 2 हासिल, अब कैरी ओवर करेंगे, यहाँ पे बन गया 3 और 8 11, फिर से एक ऊपर 6 और 4 10, 0 नीचे 1 ऊपर, और यहाँ पे आ गया 9, यानी कि कुल स्टूडेंट्स 9012 हैं। ध्यान से समझिए बेटा इसे, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।